छह साल की मासूम बालिका के साथ मौलाना द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जकरिया मस्जिद में इमामुल मदरसे के मौलाना अब्दुल समद पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है। घटना की जानकारी लगने पर आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया था। पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को खदेड़ा। इस मामले में मोघट पुलिस ने आरोपित मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामला खान शाह वली कॉलोनी में जकरिया मस्जिद में इमामुल मदरसे के मौलाना के पास क्षेत्र में रहने वाली 6 साल की बालिका पढ़ने आती थी। शुक्रवार को जब परिवार ने दोपहर में मदरसे जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पूछने पर उसने मदरसे के मौलाना की सारी गंदी हरकतें परिजनों को बता दी। इसके बाद परिजन बालिका की आप बीती सुनकर वे सीधे जकरिया मस्जिद पहुंचे। यहां कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी लगते ही मोघट थाने से TI ईश्वर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। यहां मस्जिद में से मौलाना को गिरफ्तार कर मोघट थाने लाया गया। कुछ ही देर में थाने के बाहर भीड़ लग गई। मौलाना की गंदी हरकत को लेकर आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। भीड़ बढ़ती देख पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाकर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को खदेड़ने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। मोघट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपित मौलाना अब्दुल समद पर पॉक्सो एक्ट और 354 सहित अन्य धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपित को जेल भेज दिया है।